हेलो फ्रेंड्स, माया इंडियन कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर का पराठा। चलो रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमारा 500 ग्राम पनीर है, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। और ये हमारा एक प्याज का बड़ा गट्ठा है, इसको हमने स्लाइस में बारीक बारीक काट लिया है, छोटा छोटा बिल्कुल। और ये हरी मिर्ची है 4-5, ये हरा धनिया है और ये अदरक है। अब हम पनीर को कद्दूकस करते हैं। देखिए, हम पनीर को कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। ये हमारा 500 ग्राम पनीर है। देखिए अच्छे से हो रहा है। ये देखिए हमारा 500 ग्राम पनीर है, इसको हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये हमारा बारीक कटा हुआ प्याज है, एक बड़ा गट्ठा। और ये हमारे अदरक की गट्ठी है एक, इसको भी इसमें डाल देंगे। ये हमारी हरी मिर्ची है, 4-5 हरी मिर्ची है। और ये हमारा हरा धनिया है। अब इसको हम मसाले डालेंगे इसमें सूखे। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा, और इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऐसे अच्छे से बिल्कुल इसको ऐसे एक साथ मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। आटा हमने पहले से लगा दिया है। ये देखिए, ये आटा मैंने पहले से लगा दिया है। इसको 15 मिनट हो गए हैं। अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस को जला लेते हैं, ऊपर रखते हैं तवा, इसको थोड़ी देर गर्म होने देते हैं जब तक हम बनाते हैं पराठा। ये देखिए, इसकी डोई तोड़ ली मैंने। इसको अच्छे से ऐसे गोल बना देंगे। अब इसको पनीर को इसमें रख देंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे ऊपर से। ये देखिए बिल्कुल बंद हो चुका है। अब ये और फिर इसको गोल कर लेंगे ऐसे। इसको अच्छे से बेल लेंगे ताकि पनीर हमारे सारे पराठे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब इसको अच्छे से घी लगा देंगे। ये देखिए इसे अच्छे से साइडों में साइड लगाना है ताकि कोई भी कोना ना छूटे इसका। और इसको फिर से हम पलट देंगे। और अच्छे से इसमें घी लगा देंगे। ये देखिए, अब इसको हम फिर पलट देंगे और इसको अच्छे से होने देते हैं। ये देखिए, ये देखिए गोल्डन हो चुका है, ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको प्लेट में रख देंगे। हम एक प्लेट बना देते हैं इसकी। पेड़ा लगा दिया हमने इसका। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल गोल मटोल। अब इसको सूखे आटे में ऐसे लगाना है, फिर इसको अच्छे से ऐसे कर लेना है। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे पनीर। इसको ऐसे ही कोट कर लेना है धीरे धीरे। देखिए बिल्कुल बंद हो चुका है, अब इसको ऐसे कर लो, इसको आटा लगाओ। तो अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए ये देखिए, इसको अच्छे से घी लगा देंगे अब सारे में, साइडों में इसको अच्छे से। ये देखिए अच्छे से लगा दें इसको। अब इसको पलट दें, अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही अच्छे से घी लगा दें। इसको ध्यान रखें, बस अच्छे से घी लगाना है साइडों में, एक जैसा से घी लगे सब में। अब हमारा परोठा बनके तैयार हो जाएगा। और इसको हम धीमी आंच में पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, थोड़ा धीमी आंच में पकाएं ताकि ये अच्छे से पक जाए। धीमी आंच में पकाएं तो इसका गोल्डन अच्छे से ब्राउन हो जाता है। जैसे ये देखिए, अच्छे से जलाना नहीं है इसको, अच्छे से जैसे लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी इसको पलट दें। ये देखिए, अब इसका हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन रंग आ रहा है। गैस को कम ही रखें, ज़्यादा तेज़ ना करें। हमारा परोठा देखिए अच्छे से गोल्डन हो चुका है, बनके तैयार। तो हम इसको प्लेट में रख देते हैं। प्लेट में हम डालते हैं कटोरी में दही। ये देखिए पराठा, गर्मा गर्म पराठा पनीर का दही के साथ खाएं अच्छे से। ये देखिए हमारा दही और पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसमें लगा देते हैं हम धनिया की पत्तियाँ। हमारा पनीर का पराठा बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।